हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रबल शूट करने जा रहे हैं आरओ वाटर प्योरीफायर को। आप यहां देख सकते हैं मशीन जो है ऑन पोजीशन में है, मोटर चल रही है। आप भी यहां देख पा रहे होंगे कि यूवी लाइट जल रही है, यानी कि हमारे आरओ में करंट आ रहा है और साथ ही साथ आरओ की मोटर भी अपनी सही स्पीड पर चल रही है। इसका मतलब आरओ की जो एडेप्टर है वो पावर दे रहा है, पर फिर भी पानी जो है फ्लो नहीं कर रहा है। तो उसे ट्रबल शूट करते हैं। मोटर को छू के देखेंगे तो मोटर जो है वाइब्रेट कर रही है, रन कर रही है। आउटलेट वाले पाइप में जो है पानी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि मोटर तो पंप कर रही है पर आउटलेट वाले पानी में पाइप में पानी नहीं निकल रहा है, यानी पानी का फ्लो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आरओ का जो मेन वाल्व है वो खुला हुआ है कि नहीं। उसके बाद जो है फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर के जो आउटलेट वाला पाइप है उसको हमें निकाल के देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आउटलेट वाले पाइप में पानी ही ना हो। पहले इसकी लॉक वाली क्लिप को हटा देते हैं और इसमें जो आउटलेट वाली पाइप है इसको निकाल के देखेंगे कि पानी का प्रेशर है कि नहीं है। आप भी यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पानी का प्रेशर है, काफ़ी अच्छा प्रेशर है। उसके बावजूद भी आरओ में पानी नहीं जा रहा है, तो उसको सबसे पहले लगा देते हैं। अब ये देखेंगे ये जो पाइप है इसका इनलेट वाला पाइप वो इसके इनलेट में जा रहा है। इसको ट्रेस बैक करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। अभी अंदर की तरफ जा रहा है और ये दूसरी साइड में आकर देखेंगे तो ये जो पाइप है ये सबसे पहले आपके एक सोलिनोइड वाल्व से जुड़ा होता है और आपके मेजोरिटी यानी 60% केसेस में ये जो वाल्व होता है यही ख़राब हो जाता है। हमारा स्विच सही से काम कर रहा है, इसी सोलेनोइड वाल्व को हम देखेंगे। तो सोलेनोइड वाल्व के जो आउटलेट वाला हिस्सा है उसको हम खोल के देखेंगे। इनलेट में तो पानी आ रहा है पर आउटलेट को हम देखेंगे कि क्या सोलेनोइड वाल्व जो है अपनी ऑन पोजिशन में है। तो उसके लिए हम इसके आउटलेट वाले पाइप को निकाल देंगे। आउटलेट वाले पाइप को निकालने के बाद आप भी सुन सकते हैं आउटलेट वाले पानी को निकालते ही एक प्रेशर रिलीज हुआ है, यानी कि जो है वैक्यूम बना हुआ था। मोटर भी सही से काम करने लगी है पर आउटलेट वाले हिस्से में इसमें पानी नहीं निकल रहा है जबकि इनलेट में जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो सोलेनोइड वाल्व है यही काम नहीं कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि ये वाल्व काम नहीं कर रहा है या इसको प्रॉपर वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा हो। तो आइए इसको ट्रबल शूट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इसको टच करके देखिए, कट कट की आवाज़ करेगा, काफ़ी तेज़ जो है ये टिक टिक की आवाज़ करता है अगर इसको टच करेंगे वायर को, पर ये कोई आवाज़ नहीं कर रहा है तो ये ही गड़बड़ है। आइए इसको ट्रबल शूट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले वायर्स में मल्टीमीटर को डीसी पोजीशन में रखते हुए इसके प्रोब्स को कनेक्ट करना है तारों से। अब इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप यहां देख पा रहे होंगे कि इसमें 25 वोल्ट्स डीसी शो कर रहा है, यानी इसके वायर्स में तो करंट सही से आ रहा है। सोलेनोइड वाल्व जो होते हैं ज़्यादातर आपके 24 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं और कुछ मोटर जो है 24 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक ऑपरेट होती है। अब यहाँ पे 24 वोल्ट तो आ रहे हैं, सही से आ रहे हैं, तो अब दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन में रखने के बाद सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन में रखना है। उससे पहले हम इसका वायर निकाल देते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन में रख के, रेजिस्टेंस मोड में रख के, इसमें बीप की आवाज़ आए तो इसको सोलेनोइड के दोनों पिनों पर हमें टच करना है। आप भी सुन सकते हैं कि टच करने के बावजूद भी जो है कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। इसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है जिसकी वजह से तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो सोलेनोइड वाल्व है यही फॉल्टी है और इसको हम चेंज कर देंगे। अब इसकी जगह पे मेरे पास एक स्पेयर में पड़ा था, ये सोलेनोइड वाल्व है, ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं।
अब कनेक्शन करने के बाद ये हल्का हल्का हीट भी हो रहा है, यानी ये करंट इसके अंदर जा रहा है, यह ऑपरेट कर रहा है सही से। मैंने इसके वायर्स को टेपिंग वगैरह कर दी है और इसको चलाया भी हुआ है, मैंने पावर दी हुई है। तो सोलेनोइड वाल्व की एक पहचान ये भी है कि अगर ये हीट नहीं कर रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है, तो भी इसका मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है या ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। आप भी यहाँ देख पा रहे होंगे आसानी से पानी जो है आउटलेट वाले पाइप में से आउट हो रहा है और टैंक में भी पानी आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी यहाँ देख सकते हैं कि इनलेट वाले पाइप में जो है आपका आरओ जो पानी बना रहा है और टैंक में इकट्ठा हो रहा है। तो यानी हमारा जो आरओ सिस्टम का जो रिपेयर था वो काम कर गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।